शनि देव करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन, यानी कि 24 जनवरी 2020 को शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आने वाले 5 साल शनि देव इतना छप्पड़ फाड़ के देंगे इन 6 राशियों को, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और क्या क्या उन्हें मिलने वाला है, आइए जानते हैं। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। शनि देव बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब शनि देव देते हैं तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और इतना देते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो सबसे पहली राशि की बात करें जो सबसे भाग्यशाली राशि है और 2020 से लेकर 2025 तक किन 6 राशियों का वो राजयोग बन रहा है जिसमें उन्हें उनके मन मुताबिक उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और न्याय के देवता जब न्याय करते हैं तो वो दिल खोलकर करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली राशि कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। शनि देव आपके 10th और 11th हाउस के मालिक बनेंगे, यानी कि पहले आपके 24 जनवरी को 10th हाउस में आएंगे, उसके 2.5 साल बाद आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। शनि देव आपके लिए बेहद अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। चंद्र आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी से बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेझिझक होकर खरीद सकते हैं। सूर्यदेव आपके 5th हाउस में आएंगे। नेम फेम भरपूर मिलने वाला है आपको। मंगल 1st और 8th हाउस के मालिक बनेंगे। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन का कोई बिजनेस है, फॉरेन का कोई काम है, वो सपना अब आपका पूरा हो सकता है। शेयर मार्केट से बेहद प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर किसी ने शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है तो शेयर मार्केट से अब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा कि जो शनिदेव चेंज करेंगे वो राशि करेंगे कुंभ में जाएंगे। उसके बाद आपकी 11th हाउस के मालिक बन जाएंगे। तब भी शनिदेव आपको बहुत बहुत अच्छा रखने वाले हैं, यानी कि 2020 से लेकर 25 तक आपका शश राजयोग बन रहा है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली जो राशि है वृषभ राशि है। दूसरी जो भाग्यशाली 6 भाग्यशाली राशियों में जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। अभी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि की ढैया अभी खत्म हो जाएगी और आपके 9th हाउस में और 10th हाउस के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव बने, यानी कि पहले 9th के बनेंगे, उसके बाद जब चेंज करेंगे दोबारा 2020 से लेके 25 तक दो बार चेंज आएगा, यानी कि पहले 24 जनवरी को आएगा, फिर 2.5 साल बाद फिर चेंज आएगा। तो पहले आपके 9th हाउस में आने वाले हैं और आपका ढैया खत्म करके बहुत बढ़िया समय आपके लिए लेकर आएंगे। शश नामक राजयोग जो बन रहा है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? अगर शनि देव की युति किसी ग्रह के साथ ना हो तो वो राजयोग आपको इतना पैसा देकर जाएगा जो आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। और इस गोचर के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे, अगर कोई युति ना हो तो वो जन्म से ही अपना राजयोग लेकर आएंगे। आप अपनी कुंडी देखिए, अपना चार्ट देखिए, जहां आपको ये बात समझ में आएगी कि कहां पर शनिदेव या बाकी ग्रह आपके बैठे हुए हैं। और जो बच्चे इस अवधि के दौरान, इस गोचर के टाइम पैदा होंगे, और अगर शनि की किसी की कुंडली में अगर युति नहीं है किसी और ग्रह के साथ, तो समझिए उनका राजयोग तो पक्का है। प्रॉपर्टी, नेम, फेम, फुलफिल ऑफ डिज़ायर्स, आपके हर सपने पूरे होंगे, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। अब अगली राशि की बात करते हैं। तीसरी जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि है, जो मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है, वो है तुला राशि। भाग्यशाली इसलिए रहने वाली है क्योंकि शनि देव अगले 5 साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय लेकर आने वाले हैं। 4th और 5th हाउस के आपके मालिक बनेंगे शनि देव। 10th के चंद्र
नेम, फेम, सब कुछ आपको, आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके समाज में जहां आप जाते हैं, अगर आप कोई नेता या राजनेता ऐसे है तो उस क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा आपको तरक्की मिल सकती है। दूसरे और सातवें हाउस में आपके मंगल हैं, फाइनेंस में पैसे से रिलेटेड धन, आकस्मिक धन लाभ या फिर बिजनेस कारोबार, सेवंथ हाउस के मालिक हैं मंगल, कारोबार में बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है, जिसकी वजह से पैसे से तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर कारोबार बहुत अच्छा आपके लिए चलेगा तो फिर पैसे की तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तीसरे और छठे हाउस के मालिक जो हैं वो गुरु हैं, और आपके जो भी सपने हैं तुला राशि वालों के, वो इस गोचर में, इस अवधि में जो 2020 से लेकर 25 तक राजयोग बन रहा है, वो आपके सपने अब पूरे हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त समय रहेगा। आपके जो जीवन की अधूरी मनोकामनाएं थी वो इस अवधि में, इन 5 सालों में अब पूरी हो सकती हैं। अगली राशि की बात करें वो है वृश्चिक राशि। थर्ड और फोर्थ हाउस में आप शनिदेव आपके मालिक बनेंगे अगले 5 सालों में। प्रॉपर्टी यानी कि जो जिसके खुद शनि कारक हैं, तो आपको और क्या चाहिए, शनिदेव आपका बहुत, आपकी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं जो आप लोग इच्छा कर रहे थे या आप लोग चाहते थे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो। अगर नहीं है, अगर आप किसी किराए में रह रहे हैं या खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सूर्य और चंद्र के नक्षत्र के साथ गोचर करने वाले हैं, सरकारी नौकरी पक्की है। जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, इन 5 सालों में उनकी सरकारी नौकरी ज़रूर मिल सकती है। लेकिन आपको किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, किसी के साथ भी किसी भी बहकावे में न आए, अपने दिमाग से काम करें, सोच समझ से काम करें और विवेक के साथ काम करें। आपके लिए समय वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग पीरियड भी हो सकता है। अगली राशि की बात करते हैं तो वो है मकर राशि। लग्न में शनि आ रहे हैं, लग्न में शनि आने का मतलब है कि खुद लग्नेश आपकी राशि में आ रहे हैं, सूर्य 8th हाउस में, चंद्र 7th में। अगर सब कुछ अनुकूल हुआ तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर अनुकूल नहीं हुआ तो ये गोचर आपको धोखा भी दे सकता है। राजयोग आपके लिए बन रहा है, लेकिन आपको अपनी कुंडली में जाकर देखना होगा कि सूर्य देव के साथ क्या है, चंद्र आपके किस हाउस में जा रहे हैं या फिर कौन सी राशि कहां पर जा, आपको अपने चार्ट में जाकर देखना होगा। अगर अनुकूल आपके अकॉर्डिंग हुआ तो इट मींस कि शनि देव आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आए, अगर अनुकूल नहीं है तो ये गोचर आपको धोखा भी दे सकता है। और अगर सही है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त समय आपके लिए आ रहा है, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, मतलब आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वो समझ लीजिए आपके लिए सोना ही बनेगी। लाइफ में जो आपके चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा खास होंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगे, आपके एटमॉस्फेयर को अच्छा बना देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और न्याय के देवता फिर न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। नौकरी व्यापार में कोई अचानक लाभ मिल सकता है, कोई अचानक धन लाभ मिल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा खुशियों की संभावना भी नज़र आ रही है। अगली राशि जो है सबसे भाग्यशाली छठी राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 6th स्थान में आपके चंद्र, 7th में सूर्य, मंगल 10th में, 3rd में मेष राशि मंगल की, और 5 साल ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शनि देव ये 5 साल आपको हर चीज़ से, आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे, जो भी आप इच्छा रखते हैं, पैसे की है, प्रॉपर्टी की है, कोई व्हीकल की है या किसी भी तरीके की आपकी इच्छा है। छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा लेकर आया है, नौकरी वालों के लिए प्रमोशंस या फिर कोई और अच्छी जॉब जो चेंज करना आप चाहते हैं, ये बहुत समय आपके लिए अच्छा आ रहा है। आपकी जो आपको कार्य करने हैं वो बहुत ज़्यादा विवेक और संयम के साथ करने हैं, क्योंकि आपका क्रोध आपका कार्य जो है वो बिगाड़ सकता है।
खास तौर पर शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये वो छह राशियां थी जिन्हें शनि देव 2020 से लेकर 25 तक दिल खोलकर पैसा यानी कि देने वाले, बहुत ज्यादा माला माल करने वाले हैं। दो राशियां और भी ऐसी हैं जिनके लिए बहुत कम राजयोग बन रहा है, कुछ उसके लिए शर्तें हैं। वो दो राशियां हैं कर्क और सिंह राशि, उनके लिए है लेकिन बहुत कम है, उनको प्राप्ति होगी लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं मिलेगा। किसी आपको एक पर्टिकुलर शर्त के साथ मिल सकता है या फिर किसी के को नहीं मिल सकता। तो ये दो राशियां भी हैं जिनके लिए राजयोग बन रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, ऐसा कोई खास नहीं बन रहा है। उन्हें भी प्राप्ति हो सकती है अगर सब कुछ अनुकूल चले तो। अगर अनुकूल नहीं हुआ, किसी युति हुई या फिर कहीं ग्रह कोई योग बना रहा है तो वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बाकी इन छह राशियों के लिए तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।